प्रिया धीर, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। मन की बात में बोले पीएम मोदी, हमारे पर्व त्योहार हमें गतिशील बनाते हैं, सर्वजन हिताय ही भारत की भावना और ताकत। पीएम मोदी 1 अगस्त को जाएंगे पुणे, मेट्रो ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। दिल्ली के उद्योग नगर में जूता बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली में ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में पुलिस इंस्पेक्टर की हुई मौत। इसरो ने 7 सैटेलाइट को ले जाने वाला PSLV C-56 रॉकेट किया लॉन्च। 31 जुलाई तक रद्द की गई गो फर्स्ट की उड़ानें। कल सुबह 10 बजे खड़गे के चैंबर में मीटिंग करेंगे इंडिया के नेता, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। DRI ने दिल्ली एयरपोर्ट में नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में मास्टरमाइंड गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को लाया जाएगा भारत। मणिपुर दौरे से वापस दिल्ली लौटा इंडिया का डेलीगेशन। संभाजी भिड़े की टिप्पणी पर बोले फडणवीस, गांधी जी का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बैग बनाने वाली कंपनी में लगी आग, दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कुलगाम जवान अपहरण केस में सेना और पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के ठाणे में TMT बस के इंजन में लगी आग, सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। राजस्थान के उदयपुर में मां ने अपने 14 साल के बेटे की हत्या की। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का वकील विजय मिश्रा हुआ गिरफ्तार। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।